ताजनगरी आगरा में मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण अभियान का फेज 3 चलाया जा रहा है, जिसके तहत डीसीपी पश्चिम ने कार्यालय में आने वाली महिलाओं को टेम्पलेट वितरण किए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुण भी बताए। देखिए, मिशन शक्ति में जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए हम लोग पैम्फलेट दे रहे हैं और उनको काउंसलिंग भी की जा रही है, उन्हें समझाया भी जा रहा है कि उनके पावर्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। इसको इस काम के लिए जैसे हमारे कार्यालय में भी जो आती हैं या ACP या थाना अध्यक्ष कार्यालय में कोई भी महिला अगर आती हैं तो उनको एक पैम्फलेट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो महिला बीट पुलिस अधिकारी बनाए गए हैं और वो अलग अलग गाँव में जाकर के भी जागरूकता का अभियान करते हैं तो उन सबसे भी जागरूकता मिलती है। इसके अतिरिक्त जब महिलाएँ महिला बीट कर्मी गाँव में जाती हैं तो गाँव का क्या माहौल है, गाँव में क्या बात चल रही है, उसके बारे में भी महिलाएँ अपनी समस्याएँ उन्हें बताती हैं तो इससे क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद मिलती है। अगर गाँव में किसी के यहाँ झगड़ा होना है या संभावना इस तरह से वो हमें पहले ही पता चल जाता है तो हम उसे प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका दोहरा फायदा है, महिलाएं तो जागरूक हो ही रही हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंस कलेक्शन और महिलाओं और पुरुषों के बीच में अगर कोई विवाद है या दो पुरुषों के बीच में कोई विवाद है वो भी हमें पहले पता चलता है और हम उसे प्रिवेंटिव एक्शन ले पाते हैं। किसी महिला को जरूरत पड़ती है, देखिए इसमें अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है तो 112 पे कॉल कर सकते हैं, 1090 पे कॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि महिला बीट कर्मी रेगुलरली जा रही है गाँव में तो उनको भी बता सकती हैं और उस पर हम भी तुरंत कार्रवाई करते हैं।